हेलो एवरीवन, हमारी तीन ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। दैट गिव्स ए कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड केमिकल properties to the compounds, जिससे हमको किसी भी compounds को physical और chemical properties जो उनकी characteristic होती है वो functional group के द्वारा मिलती है। हम कह सकते हैं कि functional group किसी भी compound का राजा होता है। अब इसको हम secondary suffix में use करते हैं, secondary suffix में हम फंक्शनल ग्रुप को यूज करते हैं। जैसे हम देख चुके हैं कि नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स होता है। प्रीफिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर वर्ड रूट आता है, उसके बाद सफिक्स आता है, सफिक्स में भी प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मीन्स सबसे लास्ट में यूज होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में यूज आते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मीन कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस फंक्शनल ग्रुप में ही होती है। तो हम कुछ अब एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उसका स्ट्रक्चर और उसमें कौन कौन से सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। तो इसमें है आपका फंक्शनल ग्रुप्स जनरल स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है आपका एल्कोहल, जिसका जनरल स्ट्रक्चर है R, OH, और सेकेंडरी सफिक्स में हम यहाँ पर ऑल वर्ड यूज करते हैं। दूसरा है इसी में आपका एल्डिहाइड, जिसका जनरल स्ट्रक्चर है आपका R, CHO, और सेकेंडरी सफिक्स में अल, AL वर्ड यूज होता है। थर्ड है आपका कीटोन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आपका ROR से डिनोट करते हैं, और इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो है आपका ओन। फोर्थ में है आपका ईथर, जिससे हम R-O-R-S, जिसमें हम एल्कोक्सी, एल्केन वर्ड यूज करते हैं। फोर्थ है आपका थायो एल्कोहल, जिसमें R-SH, इसके लिए आपका थायोल वर्ड यूज होता है। सिक्स्थ में है आपका थायो ईथर में आपका R-S-R, इसके लिए आपका एल्काइल थायो एल्केन। इसके बाद जो आपका है वो है एमीन, ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। जनरल स्ट्रक्चर जो प्राइमरी एमीन का है RNS2, इसमें आपका एमीन ही यूज होता है। नेक्स्ट है आपका 8 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आपका जनरल स्ट्रक्चर है RCOOH, और इसके लिए आपका सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड यूज होता है। अब हम इसके बाद
कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के बारे में देखते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं इसलिए उसको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में हम देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव फंक्शनल ग्रुप जनरल स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो जो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है उसमें सबसे पहला जो डेरिवेटिव है वो है आपका एसिड एमाइड। इसमें आपका जो जनरल स्ट्रक्चर है आर सी ओ एन एस टू, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स वर्ड यूज होता है वो है आपका एमाइड। नेक्स्ट है आपका एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड इसका जनरल जो स्ट्रक्चर होता है आर सी ओ एक्स, यहाँ पर एक्स आपका क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन और आयोडीन। तो अगर एसिड हैलाइड वर्ड है फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए जो आपका सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो आपका ऑयल हैलाइड। नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है आपका वो है एस्टर। एस्टर का जनरल फॉर्मूला आर सी ओ ओ आर डैस। एस्टर अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो है आपका एल्काइल एल्केनोएट। नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है वो है आपका एसिड एनहाइड्राइड। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। जब जनरल स्ट्रक्चर इस तरह का एसिड एनहाइड्राइड होता है इसके लिए जो आपका सेकेंडरी सफिक्स लगता है वो है आपका एल्काइल एल्काइल एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है आपका, ये आपके सभी हो गए एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही फॉर्मेशन हो रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आपका साइनाइड, जिसका जो जनरल स्ट्रक्चर है सी ट्रिपल बॉन्ड एन आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जिसमें अगर सेकेंडरी सफिक्स में आपका नाइट्राइल यूज होता है। नेक्स्ट है आपका आइसो साइनाइड आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, इसके लिए आपका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो आपका आइसो नाइट्राइल वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रो नाइट्रो, जैसे आपका आर एनओ टू, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो प्रीफिक्स में यूज होता है। ये आपका आईपीएससी में इसे फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता है इसलिए इसको प्रीफिक्स में यूज करते हैं, और इसके लिए आपका नाइट्रो एल्केन वर्ड यूज होता है। इसके बाद लास्ट है आपका एल्काइल हैलाइड आर एक्स, एक्स में आपका क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसके लिए भी प्रीफिक्स में आपका वर्ड यूज होता है हेलो एल्केन। तो ये डिटेल है अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमारे प्रेजेंट होते हैं केमिकल कंपाउंड में, और उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है और उसमें सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगता है। इसके बाद हम के क्लास में हम अल्कोहल का आईपीएसी नॉमेनक्लेचर और उसका डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।